हरिद्वार में आगामी 2021 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। घाटों की मरम्मत और गंगा की सफाई के लिए गंग नहर को आज से अगले एक माह के लिए बंद कर दिया गया है। अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह ने बताया कि कुंभ मेले से जुड़े काम लगातार जारी हैं और गंगा नहर पर पड़ने वाले कुछ घाटों का निर्माण गंगाबंदी की अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही पुराने घाटों की मरम्मत और टाइल आदि लगाने का काम भी किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद पुनः गंगाबंदी की गई है ताकि घाटों का निर्माण पूरा किया जा सके, साथ ही गंगा का रखरखाव भी हो सके। जो डायवर्जन है उसमें चूंकि कुंभ के आगे कार्य होने हैं, जैसे हमारे घाट बनने हैं, कहीं चेन लगनी है, कहीं पे हमारी टाइल्स बदली जानी है या अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो कुंभ से पहले किए जाने हैं, उसके लिए ये दो सरकारों के बीच में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक सहमति के बाद ये 15-16 की रात्रि से 14 नवम्बर तक बंदी की गई है और इस बीच ये सभी कार्य पूर्ण किए जाने हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का अभी भी उत्तराखंड की नहरों पर स्वामित्व बना हुआ है, जिस कारण गंगा पर निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश की सहमति भी जरूरी है।